प्रकाश समझ में आ गया भाई, सिलेबस में नहीं है बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ठीक अच्छा भैया ऋतिक, साउंड आ रही है मेरी? ठंड तो बिल्कुल ही गायब हो गई है। अच्छा कुमार, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? बिहार कब आइएगा जब तुम बुलाओगे? एवरेज के बाद सिलेबस खत्म, सो जाओ फिर तुम। एडवांस में तो स्टार्ट करेंगे फिर, जिनका बाकी रह जाएगा ना। यस यस कैलाश, बारिश हो रही है सर यहाँ अभी भी, आज भी बारिश हो रही है क्या आपकी सिटीज में? बारिश कहाँ कहाँ हो रही है? चंडीगढ़ में ओले पड़े हैं। क्या हुआ धनिया? आज धनिया नजर आए बहुत दिनों बाद। साउंड आ रही है भाई? चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। एवरेज की पहली और बेसिक शीट हो रही है हमारी, जिसपे सवाल जो है, हालांकि अब तो सीजीएल में बहुत अच्छे लेवल के सवाल पूछने लगा है, एवरेज से पहले नहीं पूछता था, लेकिन जो बाकी अदर स्टेट एग्जाम्स हैं उसमें अभी भी जो है बहुत इजी, बहुत मॉडरेट क्वेश्चन टाइप के पूछता है, तो पहले हम वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और एवरेज की आज यूट्यूब पे इसके आगे की जो क्लास है वो 1 घंटे की क्लास देखिए, आज दोपहर में जो मैं लेके आऊंगा अपने चैनल पे 3 बजे, उसमें सारा निचोड़ होगा पूरे एवरेज का। जो एवरेज आप 8 घंटे में, मैं लगभग 8 घंटे आपकी क्लास लूंगा ना, एवरेज पे 8 घंटे का निचोड़ आपको वहां पे 1 घंटे में देखने को मिलेगा, तो सबको देखना है, सबको देखना है वो। ठीक है, साउंड सही आ रहा है भानु? बिल्कुल होगी, यूपी में बहुत बारिश हो रही है। सीट डली नहीं है क्या? सीट तो अपलोड होगी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सवाल नंबर 8, चार कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है पी क्यू आर एस, तो क्रमागत सम संख्याएं पी क्यू आर एस। अब उनका जो है एवरेज दिया है 51, एवरेज है 51, तो पी और एस का प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, देखो ऐसे सवाल आते हैं, आपको पता है कि अगर इनका जो एवरेज होगा, चूंकि चार कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो एवरेज बिल्कुल मिडिल में होगा 51, तो एवरेज आएगा यहां पे 51 से पहले दो संख्या है, बाद में दो संख्या है, तो 51 से जस्ट पहला इवन नंबर 50 और 51 से जस्ट बाद का इवन नंबर 52, 50 से जस्ट पहला इवन नंबर 48 और 52 के जस्ट बाद का इवन नंबर 54। मतलब पी की वैल्यू 48 है, एस की वैल्यू 54 है, पी और एस का प्रोडक्ट पूछा है, तो 48 × 54 यानी कि आ जाएगा 8 × 4 = 32, 2 यूनिट डिजिट, ये रहा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है ना, हो ऋतिक आगे बढ़ जाए हम, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये देखिए सवाल नंबर 9 आपके सामने दिख चुका है, बनाइएगा। ये मेंस 2017 का पूछा हुआ सवाल है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए मेंस में, बताओ। एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 104 एंड 148, 104 और 148 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं, जितने भी इवन नंबर है उनका एवरेज बताना है। तो मैं फर्जी चक्करों में नहीं पढ़ूंगा, मुझे पता है 104 और 148 के बीच में बहुत सारे इवन नंबर होंगे, अच्छी बात है, लेकिन वो सब एपी में होंगे, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारे 252 का आधा कर दीजिए, 126, 126 विल बी द आंसर। लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर को ऐड करके आधा कर दीजिए, हो जाएगा नीरज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाइएगा, बताइए एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 113 to 159, 113 से 159 तक जितके, 113 से 159 तक जितने भी ऑड नंबर है सबका एवरेज बताना है। आपको पता है 113 के बाद 115 फिर 117, ये सब ऑड नंबर आएंगे, और आपको कहां तक बताना है, 159 तक। ठीक है ना, तो अगर आपको एवरेज बताना है तो ये फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 9 और 3 = 12 यानी कि 6 आएगा, ये रहा डी ऑप्शन, 136। क्या गलत है संपत? ओके, यहां हमने गड़बड़ कर दी भैया, इस सवाल में हमने एक एरर कर दी। ठीक बोल रहे संपत, एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 104 एंड 148, 104 और 148 के बीच के जितने इवन नंबर है उनका एवरेज बताना, तो 104 को नहीं लेना, आप लेंगे 106 को, 108 को, 110 को, और 148 को नहीं लेना, 148 से पहला नंबर आएगा 146, 146 कहेगा, 146, 104 और 148 के बीच में जितने भी इवन नंबर है, तो 104 हो गया, ये 108 हो गया, तो 10 148 हो गया, 104 और 148 के बीच में ये इवन नंबर है, इनका एवरेज निकालना है, तो इनको जोड़ के आधा करोगे तो 100 कितना जाएगा, 6 और 6 = 12, 152 और 152 का आधा फिर से 126 ही आएगा, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि हालांकि हाँ सॉरी, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए सवाल नंबर 10 भी हो गया, ये बनाओ, अब ये बनाइए, नहीं नहीं राहुल ऐसा नहीं है,
क्लियर है ना? क्या दिक्कत है वीरेंद्र? डीआई सबसे लास्ट में होगा ना? एवरेज ऑफ 41 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 49, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? 41 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उनका एवरेज 49 है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है? आप मुझे खुद बताइएगा कि ऑड नंबर है, वो भी ऑड नंबर का एवरेज 49 है, तो एवरेज जो है ऑड नंबर का एवरेज बिल्कुल मिडिल में होगा, और टोटल कितने ऑड नंबर है? 41 है, तो मतलब 49 से पहले 20 ऑड नंबर रहे होंगे, 49 के बाद 20 ऑड नंबर रहे होंगे, 49 के बाद 49 से पहले 20 ऑड नंबर रहे होंगे, 49 के बाद 20 नंबर ऑड रहेंगे। ऑड नंबर कितने के गैप पे आते हैं? दो दो के गैप पे आते हैं, तो ये 49 से 40 कम, यानी कि 9 तो सबसे छोटा होगा, और ये तुम्हारे 49 का आगे 20 ऑड नंबर 40 के गैप के बाद आएंगे, यानी कि 89 सबसे लार्जेस्ट होगा। तो 89 इस क्वेश्चन का आंसर होता ए ऑप्शन, 89। क्लियर है? 89 विल बी द आंसर। नेक्स्ट ये बनाइएगा, बताइए इसका आंसर क्या है। हाँ जतिन, बताया तो था, ये सवाल कैसे होगा? 44 क्रमागत विषम संख्याएं कितनी है? 44, 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। देखो यहां पे 44 नंबर्स आ गए भाई, कॉन्जिक्यूटिव 44, 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, अच्छी बात है। उनका जो है एवरेज 144 है, तो लार्जेस्ट नंबर बताइए कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। आप मुझे एक चीज बताइए कि ये तुम्हारा 44 एवरेज कितना रखा? 144, 144 एवरेज है, 144 एवरेज है। आप मेरी बात को सुनिएगा, 44 संख्याओं का, 44 संख्याओं का एवरेज है, मतलब इससे पहले यहां 22 संख्या रही होंगी 140 से, और 140 के बाद तुम्हारी 22 संख्या रही होंगी, और ये एकदम मिडिल में होगा। ओके, 44 संख्याएं दे रखी हैं, तो 22 इससे पहले, 22 इसके बाद, और ये मिडिल में होगा, लेकिन सारी संख्या ऑड हैं। आप मुझे कहो कि 144 से जस्ट छोटा ऑड नंबर जो होता है वो होता है 143, 144 के जस्ट बाद का ऑड नंबर जो होता है वो होता है 145, मतलब 144 से पहले जो ऑड नंबर आया होगा वो 143 होगा, 144 के बाद जो ऑड नंबर आया होगा वो 145 होगा, 145 होगा, और उसके बीच में 144 जो, ये आपका एवरेज बना है। मतलब ये जो सीरीज चल रही है वो ऐसे चल रही होगी, 145, 147, 149, 151। आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर बताना है। भैया देखिए, यहां पे 144 के बाद कितने नंबर होने चाहिए? 22 नंबर होने चाहिए। अब एक तो ये आ गए 145, तो 145 के बाद 21 ऑड नंबर होंगे, 145 के बाद कितने ऑड नंबर होंगे? 21, और ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, दो दो के गैप पे आता है, तो 145 में 42 जोड़ देंगे, तो 187, सी ऑप्शन 187 विल बी द आंसर, 189 नहीं है। हाँ, 20-20 दोनों साइड होगा तृप्ति। रोशन, ये कंसेप्ट मैं आपको सारे ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये आपको समझ में आया ना? निकिता, नहीं समझ आया? अरे होगा अभिषेक, पहले ये बताइए, फिर से बता रहे हैं अभिषेक कुमार, देखिए आप 42 ऐड किया। देखिए मैं आपको एक चीज समझना चाहूंगा कि ऑड नंबर जो होते हैं, जैसे ऑड नंबर कैसे होंगे, 1, 3, 5, आप समझिए, तो ऑड नंबर कितने के गैप आएंगे? दो। ऑड नंबर कितने के गैप आएंगे? दो के गैप आएंगे, मेरी बात को आप समझे, 2-2 के गैप पे आएंगे, ठीक है ना? तो आपको यही चीज का यहां पे फायदा उठाना है कि 44 क्रमागत विषम संख्या है, 44 उनका एवरेज है 144, तो एवरेज 144 है, लेकिन नंबर जो इवन दे रखे हैं 44 नंबर है, तो आप मुझे बताओ 144 से पहले कितने नंबर रहेंगे? 22 नंबर रहेंगे, और 144 के बाद कितने रहेंगे? 22 नंबर रहेंगे, 22 पहले 22 बाद में, टोटल 44 ऑड नंबर हो जाएंगे ना, लेकिन 144 से जस्ट पहला ऑड नंबर आता है 143, 144 के जस्ट बाद का ऑड नंबर आता है 145, 145, ठीक है ना? मतलब सीरीज कैसे होगी, 143 से पहले यहां पे तुम्हारा 141 रहा होगा, फिर 139, इस तरीके से सीरीज चल रही होगी ना। आप मुझे बताओ कि यहां पे 100, आपको लार्जेस्ट नंबर पूछा है, 144 के बाद कितने नंबर होने चाहिए? 22 ऑड नंबर होने चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए? 22 ऑड नंबर होने चाहिए। अब आपको पता है कि 144 के बाद एक नंबर, तो मुझे पता चलेगा कि एक नंबर 145 आ गया ऑड, तो 22 में से एक नंबर तो 145 है, तो 145 के बाद कितने ऑड नंबर होने चाहिए? आप कहोगे 21 ऑड नंबर और होने चाहिए, 21 विषम संख्याएं और होंगी, 145 तो है ही, तो यहां मैं 21 का डबल, ओके कितना भैया, अगर 21 ऑड नंबर है तो कितने गैप बाद आएंगे? 42 गैप बाद, 145 में 42 जोड़ेंगे तो 187 आएगा, ठीक है? क्लियर है? अरे बात समझ में आया ना? किस में बात कर रहे हो तुम मंसल? अरे क्लियर है बात, गलत कर रहे हो।
अगर आपको स्मॉलेस्ट बताना है तो 143 से कितने के 42 लेस कर दीजिए, 101, 101, 101 स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, सबको समझ में आया। चलो एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं, सबको समझ में आएगा। ये रहा सवाल नंबर 13, फटाफट बना दीजिए, एक क्वेश्चन और है। बनाइए, अच्छा बंसल, ठीक है ठीक है, सबको समझ। देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 14 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कितने नंबर दिए, 14 क्रमागत सम संख्या दी, इवन नंबर्स दिए, और उनका एवरेज कितना है, औसत है 107। इस बार आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो आप मुझे बताएं एवरेज कितना, 107। अब बोलो एवरेज कितना, 107। अब ये 14 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, तो आप मुझे खुद बताओ कि 107 से पहले कितने इवन नंबर रहेंगे, 7, और 107 के बाद भी कितने इवन नंबर रहेंगे, 7। भैया 7 107 से पहले इवन नंबर होंगे और 7 ही 107 के बाद रहेंगे, तभी तो 7 और 7 14 इवन नंबर हो जाएंगे, क्लियर ना। आप मुझे बताओ 107 से जस्ट पहले इवन नंबर कौन सा आता है, 106। 107 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है, 108। आप ये बात समझते हैं, तो 106 से पहले 104 आया होगा, फिर 102 आया होगा, फिर 100 आया होगा, इस तरीके से 107 से जस्ट छोटा इवन नंबर जो है वो तुम्हारा 106 है। कितना है, 106, 106। आप हमको एक चीज और बताइएगा बड़े प्यार से और बहुत ध्यान से। देखो ये तो आंसर है नहीं, ये दोनों तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपसे इवन नंबर पूछ रहा है तो आंसर तो इवन ही आएगा, ये दोनों तो आंसर है नहीं, क्लियर है सभी को बात। 107 से पहले 7 इवन नंबर होने चाहिए, कितने इवन नंबर होने चाहिए, 7 इवन नंबर होने चाहिए, लेकिन 106 तो हो ही गया। अब 106 से पहले 6 इवन नंबर और आने हैं, जो कि 12 गैप पहले आएंगे, तो 106 में से 12 घटाएंगे, तो यानी कि सबसे छोटी संख्या कितनी आएगी, 94, 94 आंसर। ऐसा मत कर देना कि 107 से पहले 7 इवन नंबर आएंगे, 107 में से 14 घटा दो, नहीं गलत हो जाएगा। सबको समझ आया ना, अब क्लियर है फटाफट। 89 तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है, अगर बिग नंबर पूछेगा तो 108 में 12 ऐड करके 120, 120, ठीक है आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, मेंस एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, मुझे इसका आंसर चाहिए, 14 नंबर, क्लियर हो गया ना राहुल, 2 घंटे। सवाल बनाइए, सवाल आपके सामने है, फटाफट। दाला गंजन क्या नाम है भाई, वेरी बढ़िया नाम है दाला गंजन, वाह कहां से हो भाई तुम, घर वाले ट्रस्ट नहीं कर रहे तुम पे। बंसल, सभी का आंसर आ गया देखो। अरे प्रशांत शांत, 334 आंसर, 2 सेकंड का सवाल। 38 लगातार कंसेक्यूटिव नंबर है, कितना कंसेक्यूटिव नंबर है, 38 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, उनका एवरेज 167 है, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का सम पूछा है। आप मुझे बताइए एवरेज अगर 167 दिया, कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, तो एवरेज क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का आधा ही तो होगा, तो अगर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम भी पूछ ले तो 167 का जस्ट डबल ही तो करना था, अगर फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर का सम पूछ ले तो इसका जस्ट डबल ही तो करना था, 334 आंसर। इससे आसान सवाल कुछ होगा क्या, निकालना नहीं है। अच्छा सबको समझ में आया, आगे बढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 15 आपके सामने आ चुका है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीएचएसएल का सवाल है भाई, ये करिए जरा। अच्छा कुशाग्र, वेरी गुड। अरे प्रशांत 2 दिन का इंतजार हो करो बस। अच्छा श्रवण, काहे नहीं करते हो सवाल, क्या आंसर है, प्राइम बता रहा है बंसल, ऑड बता रहे हैं, और भी कुछ बताओ, इवन बता रहे हैं। है भाई ऑड आंसर है, ऑड। मैंने आपको थ्योरी बताई थी, 2 थ्योरी बताई थी, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, और दूसरा बताया था मैंने एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। अगर आप कल की क्लास पे गौर करो तो मैंने दोनों फॉर्मूले बताए थे कि अगर आपको सम निकालना हो, अगर आपको फर्स्ट एन इवन नंबर का सम निकालना हो, तो फर्स्ट एन इवन नंबर का सम जो होता है वो बताया था मैंने n इंटू एन प्लस 1। अगर मैंने आपको कल बताया हो कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर का सम बताना, तो ये होता है n स्क्वायर।
तो अगर आपको फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज निकालना है तो एन स्क्वायर को एन से डिवाइड करेंगे तो एन नहीं आ जाएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर एन ही आ जाएगा। लेकिन आपको अगर फर्स्ट एन इवन नंबर्स का अगर एवरेज निकालना हो तो एन इंटू एन प्लस वन को एन से